नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम है ब्रिजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 2019 के उपाय की। देखिए, महीने का पहला दिन है और ये उपाय आपको अवश्य 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 करना चाहिए और लगन के साथ करना चाहिए। इससे जहां आप चिंता मुक्त होंगे वहीं धन की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा दिन है इसलिए उपाय अवश्य है और उपाय भी बहुत आसान है। दूध और चावल। अब सवाल यहाँ ये किया जाएगा कि चावल कच्चे या पके हुए, तो यहाँ पर चावल चाहे आप कच्चे ले लीजिए, चाहे पके हुए ले लीजिए, चाहे दूध में मिक्स कर लीजिए, चाहे दूध के मिक्स ना कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये दूध और चावल, वैसे कच्चे चावल लीजिए और साथ में दूध, ये दोनों किसी धर्म स्थान में दें या किसी गरीब को दे दो। यानी दूध और चावल या तो धर्मस्थान में चढ़ा दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है, मन की शक्ति बढ़ने वाली है, नुकसान से बचेंगे। जिन लोगों को सूर्य डूबने के बाद बहुत चिंताएं बढ़ जाती हैं उनकी चिंताएं दूर होंगी, उनकी चिंताएं दूर होने से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, नुकसान कम हो जाएंगे। जिनको पेट के रोग रहते हैं उनको भी लाभ होगा। जिनको आगे बढ़ने में ये मुश्किल आती है कि उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आज का उपाय करने से अगले 30 दिन तक आपको लाभ मिलता रहेगा, इसलिए अवश्य कीजिए। आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। टिकटॉक पर ब्रिजमोहन सूरी आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, उसको फॉलो अवश्य कर लें ताकि मैं समय समय पर वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डालता हूँ जो मैं YouTube पर नहीं डालता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से TikTok ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर टाइप करें ब्रिजमोहन सूरी तो मेरा चैनल खुलेगा, उसको फॉलो करें ताकि हम वहाँ भी जुड़े रहें। मैं जो वीडियो वहाँ डालता हूँ वो भी आपको मिलती रहें, क्योंकि यहाँ पर वो वीडियो नहीं डाली जाती है। तो आप जानते हैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ और ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए भी पर्याप्त है। तो अब मैं बताऊंगा यदि दूसरे व्यक्तियों के लिए आपने उपाय करना है तो आपको क्या करना है। आज का जो ये टोटका है ये बहुत लाभ देता है। आप जानते हैं मैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं। यानी किसी पर कौन सी राशि चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसका कोई विचार नहीं है। ये जो मैंने उपाय बनाए होते हैं ये गोचर राशि ग्रहों को देखते हुए संयुक्त रूप से बनाए होते हैं, जो आपको लाभ देते हैं, आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और आपके सभी ग्रहों को उच्च करते हैं। यदि परिवार का एक सदस्य करता है, ऐसे हाथ में जल ले ले, ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले ले और संकल्प करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ इसका फल फलां फलां व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले, और फिर जल ऐसे ज़मीन पर गिरा दें तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। यानी ये ऐसे टोटके हैं, ऐसे उपाय हैं जो आपका बहुत उद्धार कर सकते हैं। इनको आम मत समझिए, मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, प्रतिदिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मेरी इच्छा ये है कि आप खुश रहें, मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सारा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पति, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता, कोई भी आपसे नाराज है तो मिलन हो जाए। मैं ये चाहता हूँ आपका कर्जा उतर जाए, मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए। तो इसलिए नए नए टोटके, नए नए उपाय ढूंढ कर लाता रहता हूँ। तो आप कीजिए, दिल से कीजिए। वैसे आपको बता दूं कि यदि कोई प्रबल समस्या हो, जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब जन्म कुंडली में यदि 5वें घर में राहु बैठे हैं और बहुत शक्ति लेकर बैठे हैं
तो बेटे की प्रॉब्लम आएगी, परंतु उसका उपाय क्या है? पति पत्नी की दोबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा। आप सभी मत करना शुरू कर देना, ये देखना पड़ता है जन्मपत्री में, अलग अलग उपाय होते हैं। तो जन्मपत्री में प्रत्येक समस्या का हल छिपा हुआ है, सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। हम ढूंढते हैं फिर आपको हल बताते हैं। कई बार होता है बहुत प्रबल योग है, वो योग कार्य नहीं करता है, जब उस योग में कार्य होता है तो सब कुछ होने लगता है। यानी योग है, योग ने आपको विदेश भेज दिया, अब वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश गए वहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं, परंतु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए। तो ये सब कुछ जन्मपत्री में होता है, परंतु ये जो टोटके हैं बहुत अहम होते हैं, इनको कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोशिश कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होते हैं ना, मूलधन फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ऐसे जब आप लोगों को शेयर करते हैं और वो देखकर उपाय करते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो जो पुण्य प्राप्त होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।